सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। पलामू जिले के सतबरवा प्रखंड अंतर्गत हाई स्कूल स्टेडियम में कॉस्को क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट का उद्घाटन सतबरवा के जिला परिषद महोदया विशिष्ट अतिथि अतुल कुमार युवा दिलों की धड़कन टूर्नामेंट का सतबरवा के समाज सेवी अतुल कुमार ने फीता काटकर उद्घाटन किया और समाज सेवी अजय पुराने बैटिंग की। वहीं पर जिला परिषद तक मां ने बॉलिंग करके खेल का प्रारंभ किया। समाज सेवी अतुल कुमार ने कहा कि ठीक उसी प्रकार से हमारे सतबरवा क्षेत्र से सैकड़ों युवा मेहनत करके महेंद्र सिंह धोनी जैसा नाम रोशन करने का प्रयास रहेगा। खिलाड़ियों को मंजिल तक पहुंचाने में मेरा हमेशा भरपूर सहयोग रहेगा। जिला परिषद सुधा कुमारी ने भी अपने संबोधन में कहा कि खेल को खेल भावना से खेलना चाहिए और जिस प्रकार महेंद्र सिंह धोनी ने मेहनत करके पूरे भारत में ही नहीं विश्व में अपना नाम रोशन किया है। समाचार पढ़े जाने तक मनेका तथा बैतला के बीच में मैच जारी था, जिसमें चार ओवर के पश्चात एक विकेट खोकर के बैतला ने 35 रन बना चुका था। बैतला ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा था। मौके पर कमेंटेटर के रूप में छोटे गुरुजी उदय कुमार शाहनवास प्रिंस राज कर रहे थे और धवाडीह के यादव सेना के प्रखंड अध्यक्ष अशोक यादव पप्पू सिंह पप्पू कुमार सतबरवा के समाज सेवी आशीष सिन्हा ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आयोजनकर्ता मुख्य रूप से अफरोज खान सचिव सूरज कुमार अध्यक्ष टिंकू कुमार उपाध्यक्ष प्रिंस कुमार कोषाध्यक्ष और सदस्य में आयुष कुमार आसिफ सिद्दीकी आकाश कुमार प्रकाश कुमार असगर अंसारी कलीम राजा छोटू कुमार लव कुमार मुख्य रूप से भूमिका निभा रहे हैं। टूर्नामेंट हमारे छोटे भाई टिंकू और सूरज और छोटे भाई लोग हैं, उन लोगों ने मिलकर कराया है। ये बहुत ही एक प्राउड मोमेंट है कि एक बहुत ही हेवी तरीके से ये कार्यक्रम कराया गया है और पूरे मेरे ख्याल से जिले के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और जिले के खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा है। क्रिकेट खेलने से लोग बस टूर्नामेंट और कोई क्रिकेटर ही नहीं बनते, क्रिकेट से लड़के फिजिकली फिट भी रहते हैं, जो आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए। तो ये खेल टूर्नामेंट ये लोग अच्छे से कराएं और मैं चाहता हूँ कि इन लोगों को कोई भी दिक्कत हो, मैं हर सहयोग के लिए इन लोगों के साथ खड़ा हूँ और आगे जो भी ये बोलेंगे मैं हर सहयोग के लिए इन लोगों को।